नमस्कार, पॉपुलर सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादी। आज इस सुपरफास्ट में बात होगी, गाजियाबाद में पीएम मोदी ने देश की पहली रैपिड रेल को दिखाई हरी झंडी की। कांग्रेस के बर्ताव से खुश नहीं अखिलेश यादव की। बात करेंगे फिलिस्तीन पर क्या है पीएम मोदी के रुख की। कमलनाथ के लिए अनुष्ठान, बीजेपी ने उठाए सवाल की। समाजवादी पार्टी रैली में पीएम मोदी, बीजेपी पर बरसी काजल निषेध की। साथ ही जानेंगे आजम खान के साथ जेल में कैसा किया जा रहा है व्यवहार की। इसरो का प्लान तैयार, 2035 तक होगा भारत का स्पेस स्टेशन की। बात करेंगे हनुमान गड्डी के पुजारी की गला रेत कर हत्या की। बांग्लादेश पर भारत की शानदार जीत की। और आखिर में बात होगी राहुल गांधी ने गजी दलाल में बनाया दोषी। इसके साथ ही और भी तमाम बड़ी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। देश को पहली रैपिड रेल यानी कि नमो भारत मिल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाजियाबाद के वसुंधरा सेक्टर 8 में बने स्टेशन से नमो भारत को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कल 21 अक्टूबर से रैपिड ट्रेन सेवा आम लोगों के लिए शुरू हो जाएगी। पहले फेज में दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर पर साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक 17 किलोमीटर की यात्रा की सकेगी। ये यात्रा 12 मिनट में तय की जा सकेगी। एक तरफ लोकसभा चुनाव 2024 नजदीक आ रहा है, तो वहीं रोज रोज INDIE गठबंधन से तमाम निराशाजनक खबरें सामने आ रही हैं। अब इस मामले में INDIE गठबंधन के महत्वपूर्ण घटक कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस नेता ने बैठक बुलाई थी, जिसमें हमने उन्हें समाजवादी पार्टी की पूरी रिपोर्ट दिखाई। रात 1 बजे तक समाजवादी पार्टी के नेताओं को उन्होंने जगाया और आश्वासन दिया कि हम 6 सीटों पर विचार करेंगे, लेकिन जब सीटें घोषित की गई तो समाजवादी पार्टी को कोई सीट नहीं दी गई। अगर मुझे पहले पता होता कि विधानसभा स्तर पर INDIE का कोई गठबंधन नहीं है तो हम उनसे कभी मिलने नहीं चाहते। समाजवादी पार्टी के साथ जैसा व्यवहार होगा वैसा व्यवहार कांग्रेस को देखने को मिलेगा। हम ही कंफ्यूज हो गए होंगे, इसका मतलब अगर हम उन मीटिंगों में बैठे हैं तो हम ही कंफ्यूज रहे होंगे। आश्वासन दिया कि हम 6 सीटों पर विचार करेंगे, लेकिन जब रिजल्ट आया, घोषित की गई सीटें, तो समाजवादी पार्टी शून्य रही। विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, तो हम उसमें कभी मिलने नहीं जाती हमारी पार्टी के लोग, न अपनी हम सूची देते कांग्रेस के लोगों को, न कांग्रेस के लोगों का फोन उठाते। जैसा व्यवहार होगा समाजवादी पार्टी के साथ वैसा ही व्यवहार उनको देखने को मिलेगा यहाँ पर। कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूँ, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। कौन कांग्रेस या कोई दल क्या कह रहा है, इंडिया गठबंधन, हम ही कंफ्यूज हो गए होंगे, इसका मतलब अगर हम उन मीटिंगों में बैठे हैं तो हम ही कंफ्यूज रहे होंगे। इसीलिए जिस व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि कांग्रेस पार्टी का कौन व्यक्ति इस तरह की बात कर रहा है। हमें तो ये लगा कि जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो रहे, पूर्व में कई बार मुख्यमंत्री रहे, वो रहे, उन्होंने मीटिंग बुलाई और पूछा समाजवादी पार्टी से। हमने अपनी पूरी परफॉर्मेंस बताई, किस समय पर समाजवादी पार्टी के विधायक कहाँ कहाँ जीते हैं, कभी 1 जीते, कभी 2 जीते, कभी 5 जीते, और किस जगह हम नंबर 2 पे रहे। पूरी चर्चा हुई और रात भर 1 बजे तक समाजवादी पार्टी के नेताओं को जगाया उन्होंने और बातचीत की, पूरे आंकड़े देखे और आश्वासन दिया कि हम 6 सीटों पर विचार करेंगे, लेकिन जब रिजल्ट आया, घोषित की गई सीटें, तो समाजवादी पार्टी शून्य रही। अगर ये मुझे पहले दिन पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, तो हम उसमें कभी मिलने नहीं जाती हमारी पार्टी के लोग, न अपनी हम सूची देते कांग्रेस के लोगों को, न कांग्रेस के लोगों का फोन उठाते। लेकिन अगर उन्होंने ये बात कही है कि गठबंधन नहीं है, तो हम स्वीकार करते हैं गठबंधन नहीं है। और गठबंधन अगर केवल उत्तर प्रदेश में केंद्र के लिए होगा तो उस समय विचार किया जाएगा। और जैसा व्यवहार होगा समाजवादी पार्टी के साथ वैसा ही व्यवहार उनको देखने को मिलेगा यहाँ पर। अगर मुझे पता होता कि गठबंधन प्रदेश स्तर पे नहीं है, तो मैं समाजवादी पार्टी के नेताओं को दिग्विजय सिंह जी के पास नहीं भेजता। अगर मुझे ये पता होता कि समाजवादी पार्टी को प्रदेश स्तर पे गठबंधन नहीं कर रहे हैं,
मैं कमलनाथ जी के पास अपनी पार्टी के लोगों को नहीं भेजता, और मुझे ये भरोसा होता कि कांग्रेस पार्टी के लोग धोखा देंगे, तो मैं उनकी बात पे भरोसा नहीं करता। मुझे बताया गया कि 6 सीटों पर आपके लिए सोचा गया है, विचार किया गया है, और उस पर तय करेंगे। सिटिंग एमएलए की जगह आप सीट दे दोगे आप, और उम्मीद करोगे कि मैं आपके बारे में सच बोलूं, और जो बात बोलनी है उनको मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच छिड़ी जंग थमती नजर नहीं आ रही है। दोनों ही देश एक दूसरे का खात्मा करने में जुटे हैं। इस दौरान पूरी दुनिया की नजरें केवल इसी युद्ध पर टिकी हैं। इस जंग को लेकर कई देशों ने जहां इजराइल का समर्थन किया, तो वहीं कई देश फिलिस्तीन के साथ खड़े नजर आए हैं। वहीं पीएम मोदी ने फिलिस्तीन से राष्ट्रपति से बात की है, जिसके बाद चर्चाओं का बाजार गर्म है। मध्य प्रदेश की राजनीति में अब चुनावी जीत और सीएम बनने के लिए तंत्र मंत्र की एंट्री हो गई है। जी हां, वैसे तो एमपी में कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे पर सियासी हमले करने का कोई मौका नहीं छोड़ती, लेकिन तंत्र क्रिया का वीडियो और तस्वीर सामने आने के बाद बीजेपी कमलनाथ पर हमलावर है। साधना अगर किसी की होती है, उपासना तो जनता की होती है। लोकतंत्र जनता को विश्वास, जनता के विश्वास को जीतने का माध्यम है। जनता की सेवा करो, प्रदेश का विकास करो, लोगों का कल्याण करो। हमने किया है तो हम उसके आधार पर जनता से वोट मांगने जा रहे हैं। लेकिन शमशान घाट में पूजा कराने वालों, कैसे भला होगा देश का, प्रदेश का, प्रदेश की जनता का? अरे पूजा होती है तो सात्विक पूजा करो ना। जब पानी नहीं गिर रहा था तो हम भी महाकाल महाराज के दरबार में जाते थे, प्रार्थना की। 2023 में कांग्रेस की सरकार बना रहे हैं, हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि हमारी सरकार बन रही है। हमें तंत्र क्रिया की कोई आवश्यकता नहीं है, और इस प्रकार की कोई तंत्र क्रिया कांग्रेस पार्टी नहीं करा रही है। शमशान में फोटो रख के तंत्र क्रिया की गई है, तो क्या मानते हैं? नहीं, ये कांग्रेस पार्टी द्वारा तो बिल्कुल किसी प्रकार की कोई तंत्र क्रिया नहीं कराई गई। अब कमलनाथ जी का फोटो कोई भी रख सकता है, अब उस पर कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, ये जानकारी नहीं है भाई। पार्टी द्वारा इस प्रकार की कोई तांत्रिक क्रिया ना कराई जा रही है, ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश हो सकती है, क्योंकि आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है। 2023 में कांग्रेस की सरकार बन रही है, ये सब डरे हुए लोग हैं भारतीय जनता पार्टी। इस टाइप के हथकंडे भी अपना सकते हैं यही लोग। शाहजहांपुर में समाजवादी पार्टी के प्रशिक्षण शिविर में अभिनेत्री व सपा नेता काजल निषाद ने पीएम मोदी और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। बीजेपी सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना पर भोजपुरी में तंज कसते हुए क्या बोली काजल, सुनिए। प्रधानमंत्री जी श्रीमान मोदी जी ने महिलाओं के लिए बहुत सारे काम किए, जैसे महिला को प्रताड़ित करना, महिलाओं की सुनवाई न होना, महिलाओं को शोषण करना, ऐसी सारी चीजें। और वो जो ट्रक चला जाता है और उसके पीछे लिखा रहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम मोदी जी तो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पटाओ, ये मोदी जी कहे थे। तो ये आप सब लोग को क्या लगता है, का है ये, का बूझ रहे आप लोग जी? ये नारा है, ये नारा नहीं है, आप लोग बूझे नहीं। ये मोदी जी की चेतावनी है कि भाजपा की सरकार आ रही है, अपनी अपनी बेटी बचाओ। हमने पढ़ाई लिखाई महंगी कर दी है, अपनी अपनी बेटियों को घर में ही पढ़ाओ, बाहर मत निकालना, क्योंकि भाजपा की सरकार चल रही है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने कहा था कि ज्यादातर बेटियां खेतों में क्यों पाई जाती है। उनका कहने का अर्थ था कि अपनी अपनी बेटी बचाओ और घर में सुरक्षित रखो। और इसीलिए आप सब ने देखा होगा कि हाथरस का जो कांड हुआ था, खेत में दलित बिटिया की शव को जला दिया गया केरोसिन डालकर। शासन प्रशासन ने रात को चुपचाप अंधेरे में उस बेटी का शव जला दिया था, न परिजन जनों को बुलाया और ना ही किसी पत्रकार भाई को जाने दिया।
ये हम सबको याद है, हम भूल नहीं सकते, इसीलिए ये चेतावनी है। आप सभी को पता होगा चिन्मयानंद जी मुमुक्षु आश्रम चलाते हैं। मुमुक्षु का अर्थ होता है मोक्ष को देने वाला। यहां तो मौत को देने वाला है। बिटिया को प्रताड़ित करेंगे भगवा पहनकर, भगवा पहनकर आप बिटिया को प्रताड़ित करेंगे धर्म के आड़ में, और कहेंगे आश्रम चला रहे हैं। तो ये कहते हैं, ये चेतावनी देते हैं कि बेटी बचाओ। बेटियां नारायणी स्वरूप होती है ये महिलाएं, और नारायणी से मुझे याद आया है कि नवरात्र के दिन चल रहे हैं, तो मैं आप सभी को नवरात्रि की भी बधाई देना चाहती हूं और कहती हूं कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संसिता नमस्तस्य 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 नमो नमः के सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी और नारायणी नमोस्तुते। आप सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। और क्योंकि माता जी का आह्वान किया है, तो देवाधिदेव महादेव जी का भी आह्वान करते हुए कहना चाहती हूं कि ओम शिवाय नमः, शंकराय नमः, महादेवाय नमः, स्थाणवे नमः, सर्वभूताधिपतेः नमः, पार्वती पते नमः, उमा प्रियाय नमः, गणपिताय नमः, गण प्रियाय नमः, आशुतोषाय नमः, जन्मने नमः, त्रिनेत्राय नमः, त्रिलोकनाथाय नमः, भुजंग धारिणे नमः, शूलिने नमः, पिशाचनाथाय नमः, सैलजाप्रियाय नमः, विश्वंदस्काय नमः, जटाभारधराय नमः, ओम हर नमः, हर हर नमः, रुद्र नमः, रुद्राय नमः, पुष्कर नमः, पुष्पलोचन नमः, गौरी भर्ताय नमः, अष्टमूर्ति नमः, विश्वमूर्ति नमः। बोलो पार्वती पते हर हर महादेव हर। के अपमान मत करना नारियों का, इनके बल पर जग चलता है, पुरुष जन्म लेकर तो इन्हीं की गोद में पलता है। और ये भारतीय जनता पार्टी वाले लगातार बेटियों का अपमान करते हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि भगवा धारण करके राक्षस बन के जो सीता को हरण करते हैं, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही हो सकता है। जैसे आप सबने देखा था कि कोरोना का काल चल रहा था और कानपुर के बालिका गृह में 7 बालिकाएं गर्भवती हो गई थी। कैसे शासन प्रशासन की मिली भगत नहीं है, अधिकारियों की मिली भगत नहीं है, तो बालिका गृह में 7 बालिकाएं गर्भवती कैसे हो जाती है? कैसे 15 अगस्त को माननीय मोदी जी लाल किले से भाषण देते हैं और गुजरात में जो मोटा भाई है वो बिल्किश बानो के बलात्कारियों को छोड़ देते हैं। बलात्कारियों को छोड़ा जाता है, मिठाई बांटी जाती है, माला पहनाई जाती है बलात्कारियों को। क्यों? क्योंकि बलात्कारियों को बखूबी पता है कि हम कोई भी कांड करेंगे हमारा कुछ नहीं होना है। भारतीय जनता पार्टी के यहां मशीन रखा हुआ है, हम दूध के धुले होकर निकलेंगे, हमारा कुछ नहीं होना है। इसीलिए आशाराम जैसे बापू जो मोदी जी के गुरु है, आशाराम जी ने मोदी को कहा था, हे मोदी आपको हम नाम देते हैं मोदी मल्ल। मल का क्या मतलब होता है? मल का मतलब होता है गंदगी। तो मोदी मल नाम देते हैं आशाराम बापू जो बाद में बेटियों का बलात्कार करते हैं। और वैसे ही राम रहीम अभी छूट के आए हैं तो भारतीय जनता पार्टी वाले उनको पिताजी 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 कहते थकते नहीं। ये स्थिति है महिलाओं की। 12-12 किलोमीटर तक बेटियों को घसीटते हैं भाजपा के नेता। ये स्थिति है महिला की, इसीलिए कहते हैं कि बेटी बचाओ। अब्दुल्ला आजम खान के 2 अलग अलग जन्म प्रमाण पत्रों के मामले में आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान और उनकी पत्नी डॉक्टर तजीन फातिमा को 7-7 साल की सजा सुनाए जाने के बाद रामपुर जेल भेज दिया गया था। आपकी जेल में आजम खान और अब्दुल्ला आजम और तंजीम फातिमा जो हैं वो हैं यहाँ इस वक्त, तो क्या सुरक्षा के इंतजाम हो, क्या क्या आपके पर्याप्त है, क्या चल रहा है जब से कल से जेल में आए? जी हाँ, ये बात सही है कि ये तीनों लोग हमारी जेल में कल निरुद्ध किए गए हैं। इनमें
एक मामले में इनको सजा हुई है 7 साल की, और उसके साथ में एक और मामले में ये हवालाती के तौर पे विचाराधीन केस भी इनके ऊपर आया हुआ है। इनको जेल में प्रवेश के उपरांत सामान्य बंदियों के जैसा जो प्रोसीजर होता है वो फॉलो किया गया था। इनको डॉक्टर से, जेल के जो चिकित्सक होते हैं उनसे इनका चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया था, स्वास्थ्य की स्थिति इनकी देखी गई, इनके जो सामान्य स्वास्थ्य के पैरामीटर्स होते हैं ब्लड प्रेशर शुगर आदि इन सब की जांच करवा ली गई है जो कि अभी सामान्य पाए गए हैं, और इनसे इनकी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में भी चिकित्सक ने सवाल कर लिए थे, तो इनकी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में भी जानकारी ले ली गई है जेल के द्वारा। और बाकी जैसे हमारा जेल का प्रोसीजर होता है कि कोई भी नया बंदी आता है तो उसका सर्वप्रथम चिकित्सकीय परीक्षण ही कराया जाता है, वो करवाने के उपरांत में इनको जेल की तरफ से जो भी साधन दिए जाते हैं बंदियों को, कंबल कपड़े इत्यादि बर्तन, वो इन्हें देकर इनको जो सामान्य बंदी, जो नए बंदी आते हैं जिनको मुलाजा बैरक भी कहते हैं, तो वहाँ इनको निरुद्ध कर दिया गया है। तो पुरुष बंदी जहाँ पर रखे जाते हैं वहाँ पुरुषों के साथ इनको रखा गया है, और जहाँ महिला बंदी रहती हैं वहाँ महिला बंदी के साथ में इनकी तंजीम फातिमा जी को रखा गया है। सर, अब्दुल्ला आजम आजम खान मतलब कोई अलग बैरिक में नहीं है सदा, मतलब सारे कैदियों के साथ में? फिलहाल इनको सामान्य बंदियों के साथ रखा गया है, अभी जेल के अंदर ऐसा कोई सिक्योरिटी इनपुट हमको नहीं मिला है कि जिसकी वजह से इनको किसी विशेष अलग इनक्लोजर में सबसे अलग रखने की कोई आवश्यकता हो। हालांकि हम लोग सुरक्षा की अभी समीक्षा कर रहे हैं और उच्चाधिकारियों के भी संज्ञान में ये चीज़ें हैं, अगर ऊपर से कोई निर्देश प्राप्त होता है कि इनके लिए कोई विशेष सुरक्षा इंतजाम करने हैं तो उस पर अलग से विचार किया जाएगा, अदरवाइज अभी तक तो सामान्य बंदियों के साथ जैसा जो कुछ प्रोसीजर होता है वही इनके साथ रख के इनको सामान्य बंदियों के साथ ही रखा है। जेल के मैनुअल के हिसाब से इन्हें खाना दिया जा रहा है जी? बिल्कुल, जेल के मैनुअल के हिसाब से जो भी अनुमन्य चीज़ें हैं फिलहाल जो भी आम बंदियों के लिए बनता है, दाल चावल सब्जी रोटी, वही इनको कल शाम को भी दिया गया था, इन्होंने खाना ले भी लिया और सामान्य तरीके से अपना भोजन भी किया है, प्रातःकाल जो नाश्ते में जो चीज़ें सभी के लिए बनी थी वो इनको उपलब्ध कराई गई, और सभी बंदियों के जैसा इन्होंने भी नाश्ते को और नाश्ता और खाना जो भी बना था वो इनको दे दिया गया और इन्होंने खा लिया। नंबर सर, आजम खान और अब्दुल्ला आजम और तंजीम फातिमा को कोई नंबर दिया गया है जेल के अंदर, क्या नंबर है वो, क्या है? जेल की सामान्य जो कार्यप्रणाली है उसमें जो भी बंदी हमारे यहाँ आते हैं उनको एक सीरियल नंबर दिया जाता है, सीरियल नंबर के जिसे क्रम संख्या या सामान्य बोलचाल में उनको बंदी का संख्या या नंबर भी लोग जानते हैं, उस क्रम के हिसाब से आजम खान 338 पर हैं, तंजीन फातिमा 339 पर हैं और अब्दुल्ला आजम 340 पर हैं। दवाई वगैरह का क्या व्यवस्था है, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि बीमारी? देखिए, इनके स्वास्थ्य का परीक्षण कराया गया था, पहले से इनकी मेडिकल हिस्ट्री रही है, कुछ बीमारियों की दवाई लेते रहे हैं तो उसकी जानकारी हमारे चिकित्सक द्वारा ले ली गई है, और स्वास्थ्य इनके परीक्षण के उपरांत जो उचित होगा चिकित्सक के द्वारा इनको दवाएं जो होंगी जेल से उपलब्ध करवा दी जाएंगी। सुरक्षा व्यवस्था सुरक्षा व्यवस्था की हम लोगों ने कल समीक्षा कर ली है, फिलहाल ऐसा कोई बिंदु हमारे प्रकाश में नहीं आया कि कहीं से इनको अलग से इनक्लोजर में रखा जाए या कोई विशेष सुरक्षा की आवश्यकता हो। हालांकि ये अभी सुरक्षा का जो ऑडिट है अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी हम लोग और भी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और अपनी जो सूत्रों से जो भी जानकारी हमें मिल रही है और जो उच्चाधिकारियों के निर्देश से उनके अनुक्रम में अगर आगे आने वाले समय में अगर कोई आवश्यकता होगी तो उसके हिसाब से फिर इंतजाम किए जाएंगे। अच्छा सर, जिस तरीके से ये अब कैदी हैं तो मुलाकात का क्या सिलसिला रहेगा, जैसे क्या होता जेल में? देखिए, जेल मैनुअल के हिसाब से कैदी का जो स्टेटस रहता है उसमें मुलाकात अभी जो कैदियों के लिए है वो महीने में 2 बार है, और फिलहाल इनका हवालात का स्टेटस नहीं है तो इनके लिए जो मुलाकात होगी पर व्यक्ति महीने में 2 बार होगी और 1 बार में 3 व्यक्ति मिल सकेंगे। सर, जेल के अंदर इस वक्त आजम खान और अब्दुल्ला आजम की तंजीम फातिमा का व्यवहार कैसा है, कैसे रात गुजारी है, कुछ बताएंगे सर? देखिए, बहुत ज़्यादा अलग व्यवहार तो नहीं लगा, जेल में जैसे नए बंदी आते हैं तो सामान्य तौर पे एक थोड़ी सी उनके अंदर जो बेचैनी रहती है बस उसी तरह के कुछ हल्की सी परेशानी जैसे दिखी, हालांकि उनको
खाने पीने को लेकर और किसी स्वास्थ्य संबंधी कोई पैरामीटर में कोई गड़बड़ी तो नहीं मिली है। भारत लगातार स्पेस की दुनिया में बेहतरीन काम कर रहा है। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने अगस्त के महीने में अपना सफल चंद्रयान मिशन पूरा किया। इसके साथ ही चांद पर पहुंचने वाला चौथा देश भारत बन गया। लेकिन अब बारी है गगनयान मिशन की। इसरो 21 अक्टूबर को श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से गगनयान मिशन की पहली टेस्ट फ्लाइट को लॉन्च करने वाला है। इसरो का गगनयान मिशन ह्यूमन स्पेस मिशन है, जिसके लिए शुरुआत में टेस्ट फ्लाइट्स भेजी जा रही है। इन टेस्ट फ्लाइट्स में किसी भी ह्यूमन को नहीं भेजा जाएगा। रामनगरी स्थित हनुमान गद्दी के सहायक पुजारी राम सहारे दास की हत्या कर दी गई। उनका शव हनुमान गद्दी की सीढ़ियों के बगल बने उनके कमरे में पाया गया। उनका गला रेता हुआ था। कमरे में उनके साथ तीन साधु और रहते थे, जिसमें से दो फरार हैं। हत्या का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। वनडे वर्ल्ड कप 2023 में भारतीय टीम ने लगातार अपनी चौथी जीत दर्ज की है। रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम ने बुधवार पुणे में खेले गए मुकाबले में बांग्लादेश को हराया। इस जीत के साथ भारतीय टीम पॉइंट्स टेबल में 8 अंक के साथ दूसरे नंबर पर ही काबिज है। मैच के हीरो कप्तान रोहित शर्मा, शुभमन गिल और विराट कोहली रहे। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करने पहुंचे राहुल गांधी ने जगतियाल जाते समय रास्ते में रुक खुद डोसा बनाया और वहां बैठी फैमिली को बनाकर खिलाया। राहुल का वीडियो कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद केसी वेणुगोपाल ने एक्स पर शेयर किया है। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी।